हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसिफ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजेड सर्विसेज। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टीएससी के टीटीबी 244 प्रिंटर एंड इसके ड्राइवर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इसके साथ जो केबल्स मिलती है, जैसे आप पहली केबल प्रिंटर के पीछे देख सकते हैं, यह लगाई जाती है, इसे हम पावर केबल कहते हैं। तो ये सिंपल है, ये दो पार्ट में अटैच होता है। एक पार्ट ये रहा इसका, आपको इस वाले अडेप्टर में इसको अटैच कर लेना है। एंड उसके बाद इसकी केबल जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, इसको आपको मेन प्लग में लगा के इसे ऑन कर लेना है। देन उसके बाद सेकेंड आता है ये, दिस इज यूएसबी केबल जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट होता है, जहाँ से आप जो सी फाइल प्रिंट करते हैं वो इसके थ्रू ही आती है। तो ये भी आपको यहाँ पर लगा लेना है। एंड देन उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट होता है, दूसरा पार्ट, इसको आपको यूएसबी पोर्ट में, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट होता है उसमें अटैच कर लेना है। ये कुछ ग्रे कलर का होता है इस तरीके से। इसके लगाने के बाद जो आगे का प्रोसेस है, ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, वो आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करके बताऊँगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना या लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाना। उसके बाद आपको सिंपली कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रोम का ब्राउज़र है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है TSC TTP 244 Pro Printer Driver। उसके बाद एंटर कर देना है। तो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है, यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा। ये लेटेस्ट वर्जन है 9th मार्च 2022 का और 50 MB साइज है इसका। तो आपको डाउनलोड पे के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपको कहाँ से सेव करना है, तो हमसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा प्रिंटर का ड्राइवर, डाउनलोड हो चुका है। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का पेज आएगा, आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर्स और रिमूव प्रिंटर ड्राइवर्स। तो हमें इंस्टॉल करना है, तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया क्योंकि हमने प्रिंटर ऑन कर रखा है एंड यूएसबी केबल भी प्रिंटर में अटैच कर रखा है। तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है TSC TTP 244 Pro। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप इसे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी प्रिंट करते हैं तो इसी से प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट इसी से प्रिंट होगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा प्रिंटर। तो हम इसे चेकमार्क कर देते हैं बिकॉज हमारा सारा प्रिंट इसी से निकलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। बस 2 से 3 सेकेंड लगते हैं इसे फुल इंस्टॉलेशन होने में। देन ये कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रिंटर शो हो रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ पर विंडो के बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। फिर हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे। देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर TSC TTP 244 Pro प्रिंटर शो कर रहा है। अब हम इसका एक टेस्ट पेज प्रिंट कर लेते हैं चेक करने के लिए कि ये फुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं आप स्क्रीन से हट के आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बारकोड है, तो हम इसे प्रिंट करेंगे। तो हमने इसे PDF ओपन कर लिया। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+P पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आ गया प्रिंट का ऑप्शंस। तो आपको यहाँ से क्या करना है, टॉप पे से पहले प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे यहाँ पर TSC TTP Pro हमने क्लिक कर लिया और हमें
सिर्फ एक पे चाहिए प्रिंट के लिए, तो हम करंट पे क्लिक कर देंगे, साइज हम फिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा प्रिंटर कुछ इस तरीके का प्रिंट होकर आता है। तो इसे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो ड्राइवर है वो फुल्ली इंस्टॉल हो गया अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी विंडोज 7, 8.1, 10, 11 में आप इस प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।